नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बोल्ड वॉइस के साथ और मैं हूं ठाकुर रंगील। इस वक्त मैं जिला किश्तवाड़ के सब डिविजन छात्रों में मौजूद हूं। मैं आपको बताते चलूं कि कल शाम को एक खबर जो है राल इलाके से सामने आई थी, जहां पर एक खुर्शीद अहमद नाम के शख्स की जो है मौत कल शाम को वाका हुई थी। जी हाँ, मकामी लोगों की माने तो उन लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से महकमा जंगलात के गार्ड और फॉरेस्टर जो खुर्शीद अहमद का नामी शख्स है उसको लगातार टॉर्चर कर रहे थे। आइए सबसे पहले हम वो वीडियो दिखाते हैं जो खुर्शीद अहमद ने कुछ दिन पहले जो है जंगल में बनाई थी। देखो जरा यहाँ पे, ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम। हमारा गार्ड साहब हमें बोलता है, हमें थोड़ी सी लकड़ी चाहिए घर के लिए, बोलता है कहाँ है फॉरेस्टर्स ने बताया नहीं, वो मानता नहीं है। ये देखो जरा यहाँ पे देखो नज़ारा, देख रहे हो आप, देखो देखो जरा यहाँ से ऊपर बहुत माल डैम्प है अभी, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन ये देखते जाओ बस। तो आपने भी इस वीडियो में साफ देख लिया कि किस तरह जो महकमा जंगलात के अंदर जो है जो राल इलाका है वहाँ पर किस तरह जो है सरसब्ज सोने को काटा जा रहा है। उसके साथ साथ मकामी लोगों का कहना है कि जब से खुर्शीद ने ये वीडियो बनाई उसके बाद लगातार महकमा जंगलात के जो गार्ड और फॉरेस्टर हैं पिछले कई दिनों से लगातार इसको जो है टॉर्चर कर रहे थे। अभी जो है मकामी लोग यहाँ छात्रों सड़क पर आए, सबसे पहले इनसे आए, इनसे बात करते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको बताते चले कि कल शाम को जो है एक खबर सामने आई थी छात्रों राल से कि वहां पर जो है बताया जा रहा था कि एक शख्स को जो है महकमा जंगलात के कुछ मुलाजमीन जो पिछले कई दिनों से टॉर्चर कर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह राल के लोग जो है छात्रों जो हैं पहुंच चुके हैं और इन लोगों की क्या मांग है और ये लोग जो हैं सुबह से लगातार प्रोटेस्ट यहां पर कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्यों आज सड़क पर आए हैं। खुर्शीद अहमद, तो क्या हुआ गोपुर पे? क्या पता किस किस्म का जहनी टॉर्चर किया इसके साथ, तो कल भी इसके इसको अपने साथ इन्होंने बुलाया था और उधर से आने के बाद ही इसको घर में आते ही ये चक्कर आ गया और गिर और अब आप लोगों की क्या मांग लेकर जो है आप सड़कों पर उतरे हैं? हम यही मांग लेकर उतरे हैं कि इंसाफ होना चाहिए और आज इसके साथ हुआ कल और किसी के साथ ऐसा हुआ। यही एक वाका है जो खुर्शीद अहमद के साथ हुआ, 5-6 दिन से टॉर्चर हो रहा था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक वीडियो वायरल हुआ है जो स्लीपर की जो तस्करी हो रही थी उसका ही एक वीडियो बनाया था खुर्शीद अहमद ने, तो उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिखाया को, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी वो मौके के वहाँ के अहदेदार गार्ड दो थे और उनके साथ एक फॉरेस्टर था, 2-3 दिन से उसको वो अकेले बुला रहे थे ऐसे। तो कल हजब मामूर उसी तरीके से उन्होंने उनको बुलाया था, उसके बाद वो करीबन 12-1 बजे के करीब घर पहुंचे, चक्कर आने की वजह से उसको वहां से हमने हॉस्पिटल छात्र में लाया और छात्र हॉस्पिटल से उसको रेफर किश्तवाड़ के कराया गया और जिस वजह से उस रास्ते में ही हुई। अब हम यही मांग कर रहे हैं LG साहब से, गवर्नर साहब की आपकी वसाजत से कि खुर्शीद अहमद का जो है छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ जो इंसाफ होना चाहिए। LG साहब से हमारी मोदबाना गुजारिश है कि उनके साथ पूरा जो इंसाफ रहने वाला हूँ जी। हम यहाँ पे आए हैं कि जो इसके साथ नाइंसाफी हो गई है जंगलात वालों की तरफ से, इसको जंगल में लेके कुछ टॉर्चर कर रहे थे 3-4 दिनों से। ये कौन कौन मुलाजमीन थे? ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई 2-3 मुलाजमीन थे जो इसको लेके उधर टॉर्चर कर रहे थे। अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो रात को इन्फॉर्मेशन मुझे मिली वहाँ से अरहाल से मुझे फ़ोन आए बहुत सारे कि एक हमारा एक लड़का जिसका नाम बिटा है जो खुर्शीद अहमद है और इसका निकनेम जो बिटा गांव में है, इसके साथ फॉरेस्ट वालों ने कहीं पिछले 4-5 दिन से लगातार बुलाते रहे अपने पास, तो उसके बाद इसको बेचारे को जहन में और पब्लिक में ऐसा लगा कि मेरी एक पब्लिक इमेज ख़राब हो रही है,
इसने लकड़ी मांगी थी उनसे, जो कहने में आया, और उसके बाद जो इसने कुछ जंगल में लकड़ी पकड़ी जिसकी फ़ोटोग्राफ इसने फॉरेस्टर को भेजे और उसके बाद वीडियो बना के भेजी, और उसके बाद इसको चार पाँच दिन से लगातार वहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड और वहाँ के मुलाजिम जो इसको बार बार अपने पास बुलाते रहे सुबह शाम। हमारा मकसद ये है कि जब इसको कल भी बुलाया इसको, और इसके साथ नाइंसाफ़ी ये हुई है कि इसको जहनी दबाव और हर्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से इसको रास्ते में ही बेचारे की किश्तवाड़ पहुँचने से पहले इसकी बेचारे की मौत हो गई। नाइंसाफ़ी है, अगर आप कोई चोरी करते हो और उसको पकड़ा जाता है और उसको पकड़ने के बाद उसको दबाने की कोशिश की जाती है, वो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है और वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये 1947 का दौर नहीं है, ये जम्मू कश्मीर यूटी है जहाँ पर हर कानून जो है हर आम शहरी का एक हक बनता है। मैं बताना चाहता हूँ ये कि जो इसके साथ पहले हम ये बताना चाहते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कौन सा कानून है, कौन सी अथॉरिटी है, ये पुलिस के पास अथॉरिटी है कि किसी मुलजिम को अपने पास इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास अगर आपको लकड़ी पकड़ी जाती है जंगल की, जो सैंक्शन नहीं हो, अगर आपके पास कायल सैंक्शन हो, उसको कोई सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके दायरे में 60-70, 40-50, 50-60, 60-70 डाया होता है, उसके तहत गवर्नमेंट खजाने में पैसा जमा किया जाता है, उसके बाद जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको लकड़ी दिखाते हैं। अगर उसके अदर दिन कोई लकड़ी पकड़ी जाती है, उसके लिए एक FIR लगती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, उसके पास DFO साहब का अपना मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, वो फैसला सुनाता है वहाँ पर कि सज़ा देनी है या इसको कानून के तहत कोई जुर्माना करना है। तो इसको 5 दिन लगातार बुलाने का मकसद क्या था इस बेचारे को, इस गरीब को, इसको प्रेशराइज करके, इसको इसको दिमागी ताउन जब इसको लगा कि भाई मुझे प्रेशराइज करे, और क्या किया, क्या करते थे इसके साथ 5 दिन, क्या करते थे इसके साथ बुला बुला के, क्या मकसद था उनको बुलाने का, और एक गरीब बेचारे इसकी जिंदगी के अपनी हाथ धोना पड़ा। तो हमारी क्या मांग रहेगी हमारी इस टाइम बराबर पाँव में, हम बड़े प्यार से मोहब्बत से हमने SDM साहब से बात की, हमने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की, हमने फॉरेस्ट के हायर अथॉरिटी से भी बात की, हमने ये कहा है कि इस बेचारे को इंसाफ होना चाहिए, यही हमारा मकसद है कि इसको इंसाफ होना चाहिए, और पुलिस जो इस टाइम अपना कार्रवाई अच्छी तरह से कर रही है, हमें पुलिस पे भरोसा है, हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर भरोसा है, हमें यहाँ पे जो यहाँ पे तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे SDM साहब के क़यादत में काम करी, इन पे भरोसा है, इस गरीब आवाम के साथ जो है इंसाफ, और आइंदा से कोई भी इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि किसी गरीब को तंग तलब करें। हम ये कहना चाहते हैं कि आइंदा आज के बाद कोई भी फॉरेस्ट अगर कोई इलीगल काम करता है, उसको बुलाइए, आप उसको पूछिए। हम नहीं कहते हैं कि कोई इलीगल करेगा, ये भी हमारे बाल बच्चे है, जंगल भी हमारा बाल बच्चा है, लेकिन जो लीगल तरीके से चलना है वो कार्रवाई कर, उसके लिए पुलिस है, उसके लिए कोर्ट है आपके पास। आप अंधा कानून नहीं चला सकते हो, ये अपनी मर्जी सुबह भी बुलाना, शाम को भी बुलाना, इससे टार्चर करना। तो ये हमारी मांग है कि इस गरीब के साथ जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और खुर्शीद के बड़े भाई हैं वो जुड़े हैं। बताइए जरा जनाब, खुर्शीद के साथ क्या हुआ, कहा हुआ? साथ बड़ी जाति की ये फॉरेस्टर गार्डों ने, और 5-6 दिन हो गए उनको रोज उसको सताए हैं। और कौन कौन मुलाजिम कौन कौन थे वो? फॉरेस्टर गार्ड 2 हैं, उन्होंने काल भी वो सुबह से ही लिया। नाम क्या गार्डों का? गार्डों का नाम आज पता नहीं है, जो गार्ड वहाँ पर, गार्ड और फॉरेस्टर 2 गार्ड हैं। अच्छा, तो उन्होंने वो जबरदस्त तंग किया, तो कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए और इनके साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। शुक्रिया। नाज़रीन, हम मकामी लोगों से बात कर रहे थे और इन लोगों का साथ यही कहना है कि हम इसी मकसद से जो हैं रोड पर उतरे हैं कि ताकि जो खुर्शीद अहमद है उसको इंसाफ मिले। खुर्शीद के बड़े भाई से भी हमने बात की और उसका भी साथ यही कहना है कि कुछ दिन पहले जो है उसने महकमा जंगलात को जो है जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ मांगी थी, मगर महकमा जंगलात ने उसको जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं दी। उसके बाद उसने जो है जंगल में गया और हमने भी आपको वीडियो दिखाया कि किस तरह जो कुछ जंगलात के मुलाजमिन मिलकर किस तरह जो जंगल को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। जो खुर्शीद अहमद है उसने उसी के खिलाफ जो है आवाज उठाने की कोशिश की थी। बहरहाल जो मकामी लोगों का कहना है कि महकमा जंगलात ने जो उसको टॉर्चर किया है उसी की वजह से इसकी जान चले गई है। फिलहाल हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।